ये डालें मसाला, मेयोनीज के खोल लिया, मीट लोफ वाला तैयार हो गया भाई। अच्छा ये एक यूनिक चीज़ हो रही है, इसको बनाने के बाद उल्टा कर दिया, बन को वैसे गर्म नहीं किया। ओह ये इसके चीज़ बाहर पूरे ना दो स्लाइस डाले ना चीज़ के, तो वो गप्पे लग तो बड़े जालिम किस्म के रहे हैं। सास ये पानी है, पानी के अंदर इमली वाली है। तो पहले करते हैं हम ट्राई समोसा चाट को, ये सिंगल प्लेट है, समोसा भी सिंगल ही लगा है। तो अभी चल के ना हम उसका लेमन सोडा ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या खास बात है उसके अंदर और कैसा है वो। वेलकम टू अंदर व्लॉग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे भाई। सबसे पहली चीज ना आज हम पिंडी में ट्राई करने लगे हैं अफगानी बर्गर, और अब तकरीबन दोपहर हो चुकी है, अफगानी बर्गर ट्राई करेंगे। उसके बाद जो है हम चल के मुख्तलिफ चीजें, मामू बर्गर ट्राई करेंगे, लेमन सोडा, पप्पू लेमन सोडा जिसका बड़ा सुना है मैंने वो ट्राई करेंगे। मुख्तलिफ ऐसे पिंडी की चीजें हमने ट्राई करनी है आज। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम अफगानी बर्गर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे पिंडी एक्सप्लोर कर वानी बर्गर खाने आ गए। ये जो लोकेशन है ना इस जगह की, इसकी इस तरह से जो 6th रोड पे दुबई प्लाजा है उसकी पार्किंग है, ये बेसमेंट भी कह सकते हैं हम, पार्किंग भी कह सकते हैं। तो ये उसके नीचे खड़े हैं, तो बड़े कमाल किस्म का बन रहा है, सही रश होता है यहाँ पे। ये लग रहा है भाई यहाँ पे बर्गर, एक अफगानी चिकन बर्गर सॉसेज और दूसरा मीट लो। कितना टाइमिंग, कितने बजे ओपन होती है? सुबह 11 से सुबह 5 तक। अच्छा अच्छा खासा टाइम है, बड़े लग रहे सिंगर, एक सिंगर भी ट्राई कर लेते हैं। ये भाई हमारे वाले बन रहे हैं, ये वाले मीट लोफ एक करवाया, एक हमने करवाया सॉसेज के साथ। दोबारा एक दूसरी लेयर चिप्स की डाल रहे हैं भाई इसके अंदर, और ये डालें मसाला, मेयोनीज की एक और लेयर, मीट लोफ वाला तैयार हो गया भाई, फाइनल टच मेयोनीज की, एक रेडी हो गया। और अब क्या दूसरा, ये बेटा चिकन सॉसेज डाले और इसके ऊपर एक और लेयर डाली है फ्राइज की और मेयो। तो पूरा खोल लिया मैंने, ये हमारे पास फुल बर्गर है, और अब करते हैं यार इसको हम ट्राई। ओए होए होए ना फ्री टेस्ट है इसका, पहली बार फुल मेयो और फ्राइज का मुझे टेस्ट है इसके अंदर, इतना फ्लेवर आ रहा है ना मुझे चीज़ों का, बहुत जालिम किस्म का टेस्ट है। हालांकि इसमें सिंपल मेयो नहीं डाली, इतना एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला हुआ, लेकिन इसमें सॉसेज इसके अंदर अब जो है ना फ्लेवर आ रहा है, अब ये सॉसेज है यहाँ पे, और इसके साथ ना इन्होंने फ्राइज इसमें सही दबा के डाले, इनके जो मसाले का भी जो कमाल का टेस्ट आ रहा है, और ये इतना हैवी है ना कि एक मेरे ख्याल से एक बंदे के लिए काफ़ी है। ओह जबरदस्त, मैं रिकमेंड करने वाला ये बंदा है मुझे चीज़। तो ये लोकेशन है भाई इनकी, खान भाई बर्गर। अच्छा अब हम दूसरी कौन सी चीज़ ट्राई करें अगली बार आपकी, कौन से जिंगर ट्राई करें, इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे आपके। ठीक है यार, और अब चलते हैं हम अगली चीज़ की तरफ। मामू बर्गर इधर थोड़ा सा जो है मसला आ रहा है हमें पेश, वो ये है कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है, एक है सिंस 1992 और दूसरा है सिंस 1990, और जिस पे 90 लिखा हुआ है असली लिखा हुआ है, जो असली वाले तो फिर मुझे लगता है ग्रीन वाले, इस तरह मैंने सुना था आज, तो ग्रीन वाले जो है हम भी ट्राई करते हैं जिसके ऊपर असली नहीं लिखा हुआ। अंडे वाला बर्गर करना, ये मेन्यू है इनका भाई। अच्छा ये कर दो अंडा शामी चीज बर्गर एक, और दूसरा कर दो ये बीफ बर्गर, ठीक है। अरे अभी सुबह कितने 11 बजे खुलता है, सुबह 9 से कब तक, रात को 3 तक। ये गया बीफ और ये गया अंडा, हाय हाय हाय। ये डाल दिए इसके ऊपर चीज़ के दो स्लाइस और ये अंडा, और अब कर दिए इसको बंद,
तो ये एक यूनिक चीज़ हो रही है, इसको बनाने के बाद उल्टा कर दिया बन को, वैसे गर्म नहीं किया, इस तरह से जो है बन गर्म हो। ये अभी बीफ बर्गर, ओहो इतना क्रिस्पी लग रहा है ऊपर से बन, और ये है चीज़ बर्गर, दो बर्गर हमें कराएं। तो अब हम ट्राई करते हैं सबसे पहले इसको, ओह इतना क्रिस्पी बन है ना इसके ऊपर से, इन्होंने ऊपर फ्राई किया है, ऊपर जब बन किया ना इसको ऊपर तवे के ऊपर डाल के इसको फ्राई किया ना, इतनी कमाल की क्रिस्प आ रही है। और इनके बीफ में सबसे बड़ी बात ये, कोई स्मेल नहीं आ रही बीफ के अंदर, तो बड़े मज़े का जो है इसका बीफ का फील है, और अंडा तो कमाल है। ओह बस थोड़ा ये है कि इतना स्पाइसी जो होता है ना, वो स्पाइसी वाली फील नहीं है इसके अंदर, वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर चीज़ वाला ट्राई करते हैं हम, ओह ये इसका चीज़ बाहर पूरा है ना, दो स्लाइस डाले ना चीज़ के, एक फैंसी चीज़ बर्गर ये इसके अंदर ना फुल, ये एक चीज़ की स्लाइस है और अंडा, मैंने कभी भी ना ये वाला बर्गर चीज़ के साथ नहीं खाया, तो ये मैं बैंक ट्राई करने थी, और कहीं पे मैंने नहीं सुना था कि चीज़ डालते हैं इसके अंदर, तो ट्राई करते हैं। ओह इतने कमाल की इसके अंदर वाइब आती है ना चीज़ की, ये कि फैंसी टाइप है लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक टेस्ट है। वो बीफ बर्गर अच्छा था लेकिन ये जो सिंपल होते हैं ना अंडा चीज बर्गर, उस तरह का नहीं है, तो चीज़ के साथ ज़बरदस्त कमाल की फील है। तो मैं सच बताऊँ ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बीफ आपको नहीं इतना पसंद आता, मुझे बीफ पसंद है, लेकिन ये अंडा शामिल बर्गर है ना, ये बहुत कमाल है, जो इसमें चीज़ वाले इन्होंने काम किया है वो यार ज़बरदस्त, बहुत कमाल है। मुझे भी यही वाला ज़्यादा बेहतर है, सच्ची बात मैं बताऊँ तो बीफ वाला एक नई चीज़ मैंने ट्राई की है, पहले नहीं की थी, लेकिन ये चीज़ के साथ ना वाकई में बहुत कमाल है, हाईली रिकमेंडेड बर्गर है ये, अगर आपने आना चिकन शामी चीज़ के साथ ट्राई करना है, मैं कहता हूँ कमाल। अगली चीज़ हम ट्राई करने हैं वो है पिशावरी कोला। तूने कौन सा पीना है भाई? दो शक्कर कोला दे दे। प्यार हो गया भाई। ये ऊपर क्या है? ये क्या करना है? मलंगा है। तो मलंगा अच्छा, ये क्या है भाई? ये है इसके ऊपर ये तुख मलंगा है, शक्कर कोला, इसमें लीमू भी है और कोला भी है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, यहाँ मैं ये बच्चा पिला रहा है। रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग, कोला की फील आ रही है इसमें और साथ थोड़े लीमू की फील। ये हमारी तरफ बड़े आम है तो मलंग, ये गर्मियों में लोग पीते हैं, इससे वो होती है बॉडी हीट एब्जॉर्ब होती है। सही रश है भाई, बता यार लोकेशन बता क्या है? ये सादकाबाद से लिंक होती है सैटेलाइट टाउन की तरफ रोड, उसके ब्रिज के ऊपर है। हाँ जी, बाकी लोकेशन जो है मैप में डाल देंगे, लेकिन ये वाकई में ट्राई करने वाली चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त। आप ये पीछे भी ब्रांच ली है, आप ही की है? हाँ जी। अच्छा मैं कौन सी वाली है ओरिजिनल, मतलब पहले पुरानी वाली? सिक्स वाली। अच्छा सिक्स में पुरानी है, चांदनी चौक है ना, एक वो है एक ये F6 में। अच्छा भाई ये आ गए हमारे समोसे, सॉरी क्या कहेंगे, गोलगप्पे। और वैसे जो है ना बंगाली समोसे वाले, इनका मशहूर चीज़ जो है ना मेन है समोसा चाट, तो वो हमारी अभी बन रही है जी, हमने कहा हम इनके जो है गोलगप्पे भी ट्राई कर लें। तो गोलगप्पे लग तो बड़े जालिम किस्म के रहे, सास ये पानी है, पानी के अंदर इमली वाली है। तो पहले करते हैं हम ट्राई समोसा चाट को, जिसके ऊपर ना वो चलते हैं, सिंगल प्लेट है, समोसा भी सिंगल ही लग रहा है।
नजरें मेरी तरफ आएंगे, मैं बोलूँ ये है कैसा। तो मैं बताता हूँ कि इसकी चटनी है ना, वो बहुत मज़े की है, खट्टी खट्टी चटनी है इमली वाली। और जो समोसा है आलू, वो बहुत एक मतलब डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा है मुझे उसमें। या तो शायद चटनी एक होती है ना ट्रेडिशनल मीठी चटनी, वो नहीं है इनकी, इन्होंने डाली हुई इमली वाली चटनी और उसके साथ जो है इनके वो है रायता। ये यार बहुत अच्छे समोसा चाट, चेक ही करना भाई। अच्छा यार ये इतना ले गया है, टेस्ट भी ना कर, गोल गप्पे ट्राई करते हैं यार। एक तो बोलते बहुत हो, आपका ये मसला ज़्यादा है। तो हम अपना वीडियो खत्म करें, रह देना। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये गोल गप्पा हमारा, एक तो है चने वाले, लेकिन इसके अंदर गोलगप्पों के अंदर भी ये सीन किया हुआ, इन्होंने वो वाली चटनी डाली हुई है इमली वाली जो समोसों के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है इनकी अपनी चटनी है जो खुद बनाते हैं। तो ये अपने से गोलगप्पे, गोलगप्पे थोड़े से सूखे हैं लेकिन अच्छे हैं। पानी तो ही खट्टा है, लेकिन जो मज़े मैं दोनों ट्राई कर रहा हूँ साथ साथ, जो मज़े के हैं ना वो इनके समोसा चढ़वा के बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा यार ये अभी हमने ट्राई किए हैं ये समोसे, तो समोसा चाट और इसके साथ हमने जो ट्राई किए थे गोलगप्पे वो बहुत कमाल के थे। इसमें रिकमेंडेड चीज़ जो है ना वो समोसा चाट है इसकी। तो अब हम चल रहे हैं आखिरी चीज़ ट्राई करने के। सीन इस तरह से है कि अब आखिरी चीज़ पप्पू लेमन सोडा, बड़ा अरसा हो गया है मैंने इसको मतलब सुनता आ रहा हूँ पप्पू लेमन सोडा ऐसा तो वैसा। तो अब चल के ना हम उसका लेमन सोडा ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ख़ास बात है उसके अंदर और कैसा है वो। लेमन सोडा था, चेक करो कैसा है आगे। लेमन सोडा ट्राई करते हैं हम इसका। अच्छा इसके अंदर लेमन सोडा वैसे टेस्ट, इसमें ना थोड़ा शीरे का टेस्ट आ रहा है मेरे ख्याल से, लोगों को भी ज़्यादा पसंद आता है तो मुझे वैसे अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मीठा चीज़ लगी है ना वो इतनी खास नहीं है। आज की वीडियो को ना ये हमारा पार्ट वन है पिंडी का, इसको करते हैं हम इधर एंड। तो आज की वीडियो इधर एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।